फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यार आज है हम अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट के बाहर, वहाँ पे जो है सारी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है दी जाती है। जैसे कि यार काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है रशिया आने से पहले, ये सब काफ़ी लोगों का ये मानना है कि रशिया में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहती है ज़्यादा। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आइए मेरे साथ। So guys, this is dummy of a pediatric patient. So we can use this dummy for practicing pulse, BP, auscultation, everything. यहाँ पे क्या होता है, मशीन्स अंदर लगे होते हैं, तो ओरिजिनल डमी एक ओरिजिनल पेडियाट्रिक पेशेंट की तरह काम करता है। तो ये एक रोबोटिक पेडियाट्रिक डमी है जिस पे आप अगर मतलब आपके पास रियल पेशेंट नहीं है तो बट सेम जैसे पेशेंट के अंदर में आप ये डायग्नोज करने के लिए ऑस्कल्टेशन, पल्स, बाकी चीज़ चेक करोगे इसमें भी फील होता है, क्योंकि ये जो भी है पूरा कंट्रोल होता है रोबोटिक सर्जरी के थ्रू, रोबोटिक के थ्रू। तो इसमें पल्स, बीपी वगैरह चेक कर सकते हो। यूट्रस, दिस इज एब्डोमिनल आयोटा, सो दिस इज रोबोटिक। इसमें हम जो पहले यूट्रस की जो साइज और शेप होता है ना सर्जरी के टाइम पे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, तो ये हम लाइव देख सकते हैं विदाउट रियल पेशेंट डमी पे प्रैक्टिस करने के लिए। डमी लाइक वी कैन यूज दिस डमी इन इमरजेंसी सिचुएशन, एम्बुलेंस ड्यूटी। इस डमी में क्या होता है, तो लाइक फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया और हार्ट अटैक आया, तो उस टाइम पे CPR देना होता है, तो CPR के लिए इस बॉडी को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हार्ट की इशू है तो डिफिब्रिलेशन वगैरह जो एम्बुलेंस ड्यूटी में हमें देना पड़ता है ना, वो यहाँ पे है। तो बिना पेशेंट के लिए इनिशियली लेवल पे जो प्रैक्टिस करने के लिए होता है ना, तो हम ये डमी यूज़ कर सकते हैं CPR देने के लिए। जैसे कि ऐसे दे सकते हो आप, जितने भी बॉडीज है डमीज है ये टोटली कंट्रोल बाय द मशीन है। तो इसकी कितनी डेप्थ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इनिशियली हमें पता नहीं होता कितनी डीप हमें CPR के लिए प्रेस करना चाहिए, बिकॉज इट लीड्स टू कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर ऑफ रिब्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये कर सकते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग दिस, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेट पेशेंट से लीक से प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन ऑन स्ट्रीट वी कैन यूज नॉर्मल हैंडकरचीफ, हैंकी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल कपड़े यूज कर सकते हो। तो ये सब था यार CPR वगैरह कैसे किसी पेशेंट को जो है इंस्टेंट CPR की जरूरत होगी तो हमें कैसे देना है। सारे आर्टरीज, सारे वेन्स, सारे नर्व्स विद लिम्फेटिक नोड्स, बहुत सही लग रहा है, मतलब पूरा इंटरनल व्यू जो क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो दैट यू कैन ऑपरेट विदाउट कटिंग एनी नर्व्स, ऐसे जल लगा सके चंदन ये उठेगा, देन फिर से हम वो बढ़ाएंगे उसका वोल्टेज, देन अगेन सेकंड, फिर भी नहीं, फिर उसके बाद थर्ड, फाइनल। अगर नहीं हुआ तो फिर टाइम एक्सट्रीम केसेस में फोर्थ यूज करते हैं, अदरवाइज रेस्ट इन पीस। Like you have joysticks, through joysticks you can practice like ambulance duty, any emergency patient. Through joystick you will pick, you can pick anything, like if you need any like defibrillator, if you need any oxygen machine, support machine, anything, you can use your joystick and you can practice this sports for the ambulance duty, for emergency patient, and for gynec patient, any emergency patient. तो चलिए अब हम चलते हैं गायनी डिपार्टमेंट की ओर, और हम आपको दिखाएंगे कैसे डमीज वहाँ पे रखे गए हैं, कैसे जो है एक डिलीवरी करवाई जाती है। प्रोसेस तो नहीं दिखाएंगे बट हाँ आपको ये दिखाएंगे कि कैसे डमीज वहाँ पे हैं। लाइट्स नहीं, ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है जिन लोगों से पालपेट करके चेक कर सकते हो कि कोई ट्यूमर है या नहीं। जनरली जितने भी ट्यूमर से पता चल जाता है, अगर बहुत माइनर कुछ कुछ होता है जो नहीं पता चलता है पालपेशन से। उसके बाद ये गायनेकोलॉजिकल टेबल है, तो जिसपे तुम किसी भी वजाइनल या फिर इन्फेक्शन जितने भी हैं वहाँ पर ऐसे पैर होते हैं गायनेकोलॉजिकल टेबल पर, एंड देन इसे यूज़ करके कोल्पोस्कोप को तुम ऐसे इंसर्ट करते हो। उसके बाद मतलब इसे ऐसे इंसर्ट करके जनरली तुम्हें स्मियर लेना हो या फिर ऐसे चीज़ें में ये यूज़ होता है, एंड उसके बाद जितने भी इन्फेक्शन डिजीज है
तो उसे यहाँ से डायग्नोज कर सकते हो स्मीयर एंड ऑल से। यार जैसे कि सारे बच्चों का क्वेरी रहता है कि किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले हमारा मतलब हमें पता होना चाहिए कि उस कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है या प्रैक्टिकल वहाँ पे जो है कैसे कराया जाता है। तो यही सब अभी जो है हमें बेसिक्स दिखा रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चे को एक्टिव किया जाता है, कैसे प्रैक्टिकली जो है डमीज में प्रैक्टिस कराया जाता है। क्योंकि यार एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको थ्योरी के अलावा उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एट द एंड उसको जो प्रैक्टिस करना है वो पेशेंट पे ही करना है। तो इसके लिए जो है प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक एंड रोबोटिक कंट्रोल में अगर इसको ऑन किया जाए तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है ना वो नेचुरल होता है और बेबी जो एक्सपल होता है ना इधर से क्या तो वेजाइना वो नेचुरल दिखेगा इधर से वेजाइना के थ्रू। बट अभी हमारे पास डॉक्टर नहीं है जो ऑपरेट कर सकता है और जो दिखा सकता है ये प्रोसीजर। तो नेक्स्ट टाइम पे जब हमारी फिफ्थ ईयर की जो स्टूडेंट है या फोर्थ ईयर की स्टूडेंट जब वो प्रैक्टिकल क्लासेस में अटेंड करेंगे तो वहाँ पे वो लाइव आपको दिखा सकेंगे वीडियोस में। यहाँ से आपको थर्ड स्टेप में जो है ना क्रोनिंग दिखती है जब आपको पूरी 10 सेंटीमीटर की दिख जाती है, उसके बाद आप इसे खींच सकते हो बेबी को एंड कुछ मतलब अलग से स्टेथोस्कोप नहीं कौन सा फोर्सेप्स यूज होते हैं अलग से जब बेबी का हेल्थ पूरा पुल आउट करना होता है। तो ऐसे होता है आपको डमीज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सको। टू फिंगर एग्जामिनेशन सो वी कैन एग्जामिन द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द हेड कितना दूर है पेल्विक का। ये टू फिंगर एग्जामिनेशन तो ऐसे करते हैं, इसे हम पल्पेट करते हैं जो हेड कितना दूर है, ये कितने स्टेशन पे आ चुका है, चार स्टेशन होता है टोटल, तो किस जगह पे आ चुके, कितने आज का है, कब डिलीवर होगा ना, ये यहाँ पे हम करते हैं टेबल है ना आपके डिलीवरी जो बेबी होती है उसकी जो एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी ब्रीथिंग स्किन कलर उसको बोलते हैं एब्गर स्कोर और उसकी मतलब जैसे कि नेजल ओरल कैविटी को क्लीन करते हैं, सक्शन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना लिक्विड जो फ्लूड होता है ना वो होता है तो उसके सक्शन ताकि ब्रीथिंग को क्लियर कर सके, इसलिए सक्शन यूज करके हम यहाँ पे सक्शन का भी होगा ये रहा ऐसे करके सक्शन करते हैं नेजल एंड ओरल ताकि इसकी ब्रीथिंग सिस्टम क्लियर हो जाए, फिर इसकी हम लंग्स और हार्ट की वो चेक करते हैं, देन स्किन कलर बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, देन उसको बेबी को क्लीन करके मदर के पास शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यार समारोह में एक बहुत स्पेशल चीज़ है रोबोटिक सर्जरी, ये अभी हमें भी ये चीज़ नहीं पता ये क्या होती है, तो अभी यहाँ हमारे जो डीन है वो हमें दिखाएंगे कि क्या होती है रोबोटिक सर्जरी, कैसे करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए, ब्लड निकालना है या लीवर की सर्जरी, कुछ स्टोन वस्टोन निकालना है ना, पहले क्या होता था एब्डोमेन खोलना पड़ता था, अब लेप्रोस्कोपी में क्या होता है जो बिना खोले छोटा सा होल कैमरा के थ्रू जाके अच्छा अच्छा स्टोन निकाल देते हैं, तो जो हमारे जो क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक जो डैमेज होता है ना एब्डोमेन का उसको बिना डैमेज किए हुए कर सकते हैं। सिमिलरली पहले के जॉइंट सर्जरी के लिए क्या होता था पूरे जॉइंट्स को खोलना पड़ता था फिर उसके जॉइंट की सर्जरी की जाती थी, बट अभी क्या है ऑर्थोस्कोपी है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जॉइंट्स इंटैक्ट रहेगा उसमें कोई ओपन नहीं होगा, छोटा सा कट लगता है उसमें एक रोबोटिक मशीन जाती है और वो पूरा सूचर जो भी सर्जरी करनी है कर देगा, तो बिना कॉस्मेटिक डैमेज किए बिना कोई स्कार के हम जॉइंट की सर्जरी कर सकते थे, वही है एक लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी। और इस टाइप के प्रैक्टिस ओनली इन समारा, ओनली इन समारा, नॉट इन अदर यूनिवर्सिटी, ओनली इन समारा एक्सक्लूसिव। ये देखो ये जैसे कि इसमें कैमरा है लाइट होता है और उससे पहले एब्डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए ताकि आपको ज़्यादा एरिया व्यू कर सके तो उसमें गैस इंसर्ट की जाती है, देन उसके इन डिटेल जाओ अब यहाँ पे यहाँ से ये ऑपरेट किया जा रहा है। अब आई नीड असिस्टेंट प्लीज़ एनीवन कैन हेल्प मी, इसको पकड़ो
तो दोस्तों ये था रोबोटिक सर्जरी का। तो मैं आपको बताती हूँ रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। रोबोटिक सर्जरी वो होती है जैसे यार हमारी बॉडी में जो है माइनर सी सर्जरीज की ज़रूरत होती है जो कि हम अपने हाथों से नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन सर्जरीज होती है वो। तो जो है इसमें जो है रोबोट की हेल्प से वो सर्जरीज की जाती है विदाउट एनी स्कार्स यानी विदाउट कोई डैमेज टू एनी टिश्यू। तो जो है समारा की ये एक स्पेशल क्वालिटी हम बोल सकते हैं कि ये जो रोबोटिक सर्जरी है वो सिर्फ समारा में ही अवेलेबल है। तो यार दोस्तों ये सब कुछ था स्टिमुलेशन सेंटर ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। स्टिमुलेशन सेंटर जो कि सिर्फ समारा में है। बच्चे पूछते हैं व्हाई ओनली समारा, व्हाई, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं यार समारा में जो सिर्फ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। तो अगर आपको ऐसे ही समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में और भी चीज़ें जाननी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर स्पेशल है, तो बने रहेगा मेरे आगे के वीडियोस में भी आपके लिए जो है एक कम्प्लीट वीडियोस इन्फॉर्मेशन जो है आने वाली है पूरे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।